कि आप सिर्फ टॉपर्स का एक पूल बना लीजिए, आप सिर्फ फेलियर बच्चों का एक पूल बना लीजिए। ओके ठीक, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अ वेल नोन नेम दैट इज सैनोन। सैनोन ने एक पेपर लिखा 1949 में, मैथमेटिकल थ्योरी फॉर कम्युनिकेशन, एंड दैट वॉज लैंडमार्क पेपर। वाई इट वॉज लैंडमार्क पेपर वी विल डिस्कस अबाउट इट। एंड दिस पेपर इट्सेल्फ ओपेंड अ लॉट ऑफ चेंज्ड अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट और एंड ऑल्सो ओपेंड अ लॉट ऑफ डोमेन्स इन कम्युनिकेशन। सो क्या होता है, कैसे कम्युनिकेशन करेंगे? तो कम्युनिकेशन करने के लिए भाई सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, इंफॉर्मेशन सोर्स चाहिए होगा और एक डेस्टिनेशन होगी। मींस वी विल हैव अ इंफॉर्मेशन सोर्स जो कि इंफॉर्मेशन को जनरेट करेगा, एंड देन आफ्टर वी विल हैव अ डेस्टिनेशन। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन सोर्स और ये डेस्टिनेशन के बीच में ये इंफॉर्मेशन ट्रेवल कैसे करेगी, वी विल हैव अ कम्युनिकेशन चैनल। अभी कोडिंग मान लीजिए नहीं है, कोडिंग ओडिंग कोडिंग, वी विल हैव अ कम्युनिकेशन चैनल। ओके, तो क्या कम्युनिकेशन चैनल क्या हो सकता है? कम्युनिकेशन चैनल कोई भी मीडियम हो सकता है जिसमें कि इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट कर पाए। ओके, तो हो सकता है कि इंफॉर्मेशन जब चैनल पे पहुंचे तो डेफिनेटली चैनल का एनवायरनमेंट जो होगा वो नॉइजी होगा। नॉइजी मींस इट विल कॉज लॉस ऑफ एनर्जी इन इंफॉर्मेशन सोर्स सिग्नल। ठीक है, ये लॉस ऑफ एनर्जी कॉज करेगा जिसके नाते हम इसे कहेंगे नॉइजी होगा। वो उसका एटेन्यूएशन कर सकता है, मींस उसके एम्पलीट्यूड को कम कर सकता है। इट मे कॉज इट्स डिस्टॉर्शन, मतलब इंफॉर्मेशन सोर्स से जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हुई है दैट इज हैविंग एम्पलीट्यूड एंड फेज और सम डेटा दैट मे चेंज। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सोर्स से डेस्टिनेशन तक, इंफॉर्मेशन सोर्स से डेस्टिनेशन तक कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। Exactly, कम्युनिकेशन का मकसद क्या है? What is the major goal of communication? कम्युनिकेशन सिस्टम का मकसद यह है कि जो इंफॉर्मेशन सोर्स पे थी डिक्टो वही इंफॉर्मेशन किसी दूसरे जगह पर पहुंचे विथाउट एनी मॉडिफिकेशन और चेंज। मींस वी हैव टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एज इट इज टू द अनदर विथाउट एनी चेंज। लेकिन नॉइजी एनवायरमेंट है चारों तरफ, तो नॉइजी एनवायरमेंट के नाते कि मुकेश कुमार कौन है बार बार प्रेजेंट कर रहा है, आई होप नाउ थिंग्स आर विजिबल। मुकेश कुमार आप कुछ मत करिए, बस सुनिए। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये सोर्स से डेस्टिनेशन तक एज इट इज पहुंचनी चाहिए, ठीक, लेकिन नॉइजी चैनल होने के नाते ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं कुछ सी टाइप की कोडिंग। ठीक, we will code something means we will code in means suppose we are having english literature and we want to transmit a message. message kya hoga, message koi bhi message, theek, ki we are having this much covid patients or something like that, koi bhi message, theek, we want to transmit it. then what we will have to do, we have to do coding. and what kind of the coding it will require, it will require coding so that the information can be easily transmitted over channel, because har channel ki apni property hoti hai. jaise ki agar main bol raha hu to ye information aap tak pahunche, iske beech mein dher sari coding hai. theek, uske alawa bhi
अगर आप किसी भी चीज को वायरलेसली ट्रांसमिट करना चाहते हैं देन यू हैव टू चेंज कि ऑडियो सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाए या इस तरीके की कोई भी प्रॉपर्टीज उसकी चेंज करना है. मीन्स इन एनी केस वी विल नीड कोडिंग. ओके, देन आफ्टर उसके बाद आता है अगर हमने कोड कर लिया किसी भी चैनल को देन आफ्टर डेफिनेटली वी विल नो डी कोडिंग. ओके, तो डी कोडिंग मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन हमने ट्रांसमिट की थी वो उसको एज इट इज वही प्रोसेस फॉलो करके वापस हम डी कोड कर सकते. ठीक, तो ये बेसिक आइडिया इससे पहले लगा हुआ था. ठीक, तो कैसे हम जज करते हैं कि कोडिंग बेटर है या सिग्नल एज इट इज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप जानते होंगे पीई. पीई इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर और कहीं कहीं लिखा जाता है बिट एरर रेट, बीईआर, मतलब कितने बिट्स में एरर है. ठीक, ये दो मेजर्स होते हैं जिसके जरिए हम ये मेजर करते हैं कि इंफॉर्मेशन जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिवली चैनल पर ट्रांसमिट हो रही है और कितना इफेक्टिवली हमें मिल रही है. ठीक है, तो ये दो चीजें होती हैं. डिजिटल चैनल में कितना एरर प्रोबेबिलिटी है, मतलब हमने ट्रांसमिट किया तो कितना कितना उसमें 1000 सिग्नल्स हमने ट्रांसमिट किया, 1000 सैंपल्स ट्रांसमिट किया तो उसमें से कितने सैंपल ऐसे हो सकते हैं जो सक्सेसफुली ना पहुंच पाए, दैट विल बी कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर. ओके, या बिट एरर रेट मींस अगर हमने 1000 बिट्स ट्रांसमिट की तो उसमें से कितने बिट में एरर हो सकती है, दैट विल बी रेफर्ड एज बिट एरर रेट. ओके, दीज टू आर बेसिक मेजर्स. तो इसको आप जब भी बैठा करिए तो कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए और इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन किया कीजिए. ठीक है, तो बिट एरर रेट या फिर ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होती है ये किस चीज पर डिपेंड करती है, ये बिट एरर रेट या प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर डिपेंड करती है आपके एक तो एनर्जी ऑफ सिग्नल कि कितना ज्यादा एनर्जी ऑफ सिग्नल, और दूसरा होता है रेट ऑफ सैंपल्स. मीन्स पीई या बीईआर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ईबी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ईबी आरबी के. ईबी आरबी मींस ईबी मींस व्हाट विल बी ईबी, ईबी विल बी, ईबी विल बी एनर्जी ऑफ सिग्नल, एनर्जी ऑफ वन बिट, एंड आरबी इज बिट एरर, सॉरी आरबी इज रेट ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक होता है ईबी और दूसरा होता है आरबी. ओके, तो ये जो ईबी आरबी है हम देखते हैं इसमें से हम किसको ज्यादा मैनेज कर सकते हैं. ईबी मतलब एनर्जी ऑफ सिग्नल, एनर्जी ऑफ वन बिट. तो क्या हम एनर्जी ऑफ वन बिट को लगातार बढ़ाते जाएं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि हमारे पास मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन मान लीजिए अगर हम कम्युनिकेशन सिस्टम में, भाई सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन जो यूज होता है वो मोबाइल फोन में यूज होता है, तो मोबाइल फोन में क्या लिमिटेशन है, उसकी बैटरी लिमिटेशन है. ठीक, अगर हम अच्छी एरर, कम एरर पाने के लिए अगर हम एनर्जी ऑफ सिग्नल को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देंगे, ठीक, तो क्या होगा, मोबाइल बहुत तेजी से ड्रेन आउट होगा, मींस वो बहुत जल्दी उसकी बैटरी खत्म होगी. मींस हमें क्या करना है, हमें चैनल को, हमें सिग्नल को बहुत ज्यादा एनर्जी ट्रांसमिट करके उसको बहुत इफिशियंट बनाने का ये जो टेक्निक है ये कतई ही इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इफिशियंट नहीं है. क्योंकि ट्रांसमीटर साइड पे तो मान लीजिए आप बहुत ज्यादा हैवी सिग्नल ट्रांसमिट कर दिए, लेकिन उसमें भी समस्या है. अगर आपने ट्रांसमीटर साइड मतलब जो रेडिएटिंग एंटीना है जो कि ब्रॉडकास्ट करता है, जो कि टावर है, टावर पे अगर आप बहुत ज्यादा एनर्जी ट्रांसमिट करने लगेंगे तो उसमें फिर क्या होगा कि SAR रेशियो, जो बॉडी एब्जॉर्प्शन रेशियो होगा एनर्जी का, वो भी बढ़ जाएगा और इसके नाते जो एनवायरनमेंट होगा वो रिस्की हो जाएगा हम सभी के लिए. ठीक है, तो हम ये भी नहीं कर सकते कि हम क्या करें कि हम बहुत ज्यादा ईबी को बढ़ा दें. और दूसरी चीज क्या होता है, रेट ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज आरबी. आरबी मतलब रेट ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक, तो रेट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, वो भी हाई होना चाहिए. ठीक, लेकिन चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो कहेगा नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर हाई होने के लिए रेट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए. ठीक, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें, हम बहुत कम रेट ऑफ इंफॉर्मेशन को भी नहीं ट्रांसमिट कर सकते, मतलब हमें बहुत हाई इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना पड़ेगा. मींस वी नीड अ ब्रेक थ्रू
so that we can detect signal as it is. As we want to transmit from one location, we can receive it at another location. Okay, this is what the fundamental problem of communication is, that reproducing at one point either exactly or approximately same a selected message at another point. Okay, so visible hai na bhai. तो सैनन गिव अ ब्रेक थ्रू किस तरीके से आया, तो देयर वाज अ रिसर्च पेपर, आई विल सेंड इट टू यू, 1948 ही पब्लिश्ड इट, ठीक है ना, हैविंग इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड सैनन थ्योरी, इंफॉर्मेशन थ्योरी और एंट्रोपी को उन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया, इसमें इन्होंने सोर्स कोडिंग को डिफाइन किया, चैनल कोडिंग को डिफाइन किया, एंड बेस्ड अपॉन दीज व्हाटएवर कॉन्सेप्ट्स ही हैव गिवन, ऑल दीज आर नेम्ड बिहाइंड हिम, सो द सैनन थ्योरी इज नेम्ड behind him. So whatever Sanon vision, जो भी डेटा होगा, ठीक, सबसे पहले उस डेटा को हमें क्या करेंगे, हम सोर्स इनकोडिंग करेंगे. What do you mean by source encoding? ठीक, data will be source encoded. Means data का हम encoding करेंगे. किस तरीके से encoding करेंगे? ठीक, अब इसको समझिए. एक example लेते हैं. ठीक, क्या एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज लेट मी ऐड समथिंग, कैसे सोर्स कोडिंग होती है इसको मैं दिखा रहा हूं. नाउ सपोज व्हाट यू हैव टू सपोज, एक रेस होती है, ठीक है ना, हॉर्स रेस होती है. हॉर्स रेस में कुल 8 हॉर्सेस हैं, हॉर्स नंबर 1, हॉर्स नंबर ए, हॉर्स नंबर बी, हॉर्स नंबर सी, हॉर्स नंबर डी, मान लीजिए 4 ही हॉर्सेस है. ओके, और ये रेस डेली की डेली होती है. ठीक, हमें विनर की इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है. ठीक, डेली टू डेली हमें विनर की इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है. अब इस तरीके से हम ट्रांसमिट करेंगे, इसको देखते हैं. तो ऑब्वियसली अगर हॉर्स रेस हो रही है तो कोई ना कोई एक ऐसा, कोई भी टीम, मान लीजिए क्रिकेट होती है तो क्रिकेट में भी कोई ना कोई ऐसा होता है टीम कि वो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है. मींस वी आर हैविंग मैच between India and Zimbabwe or India and any means very weak country, then cricket match, then obviously everyone will predict that India will win. Okay, so agar hum ko daily to daily information transmit karni hai to kul yahan par kitne banenge, 1 2 3 4. Okay, 4 blocks hain. तो अगर हमें daily to daily transmit karni hai to aap kya kar sakte ho, 2 bit ki coding kar sakte ho. Aap kar sakte ho, okay sir, ए जो है, ठीक है, ए को हम 00 बिट असाइन कर देते हैं, बी को हम 01 बिट असाइन कर देते हैं, सी को हम 10 असाइन कर देते हैं, और डी को हम क्या असाइन कर देते हैं, 11 असाइन कर देते हैं. ठीक है, अगर आप इस तरीके से ट्रांसमिट करोगे तो अगर आपको 365 डेज अगर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है तो आपको डेली को इनको इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी पड़ेगी, मतलब 365 इंटू हाउ मच, 2, ये इतने नंबर ऑफ बिट्स आपको साल भर में ट्रांसमिट करने पड़ेंगे. ठीक है, बट सपोज
अब हम 365 को क्या कर लेते हैं, 100 डेज मान लेते हैं, ओके, मान लिया कि 365 डेज नहीं होती, केवल 100 डेज होती है फॉर कैलकुलेशन सिंपलिसिटी, ओके। तो हाउ मेनी बिट्स यू हैव टू ट्रांसमिट, यू हैव टू ट्रांसमिट 200 बिट्स, ओके। सपोज नाउ इफ वी विल डू सम टेक्निक, वी विल अप्लाई हियर सम टेक्निक सो दैट वी हैव टू ट्रांसफर लेस नंबर ऑफ बिट्स, हाउ वी कैन डू इट। सपोज ए जो है वो अक्सर जीतता है, तो हम उसे क्या करते हैं, हम इसे एक ही बिट असाइन करते हैं, दैट इज वन और जीरो, कुछ भी, ठीक। कैसे करेंगे ये देखा जाएगा, ये कोडिंग टेक्निक्स में आपको बताएंगे कि वन असाइन होगा कि जीरो, ठीक। फिर बी जो है, बी कैसे इंफॉर्मेशन, बी जो है वो उसके बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा विनर हॉर्स है, तो इसे हमने असाइन कर दिया 01। फिर सी है, सी को हमने क्या असाइन कर दिया, हमने असाइन कर दिया 001। और ऐसे ही डी, डी को हमने असाइन कर दिया, हाउ मच हमने असाइन कर दिया 101, ओके। अगर 100 डेज होते हैं तो डेफिनेटली ये कितने दिन, 50 डेज ये जीतेगा, ठीक। वी हैव टू ट्रांसमिट 50 टाइम्स दिस, देन आफ्टर हमें 25 डेज ये ट्रांसमिट करना पड़ेगा, मींस 50 ये भी हो जाएगा, एंड देन आफ्टर अगेन 25 × 3 means this will be 25 and these two horses will win at least 25 days, so 25 × 3, so this will result 75 means including both, so how many overall number of bits we have to transmit now, we can see that we have to, ekdam simple coding technique mein bhi humne dekha ki 175 bits hi ab hume transmit karni hai, okay, means ऐसी कोई टेक्निक हम बनाएंगे सोर्स कोडिंग में, हम क्या करते हैं जो इंफॉर्मेशन सोर्स में ट्रांसमिट करना है उसे हम कुछ इस तरीके से कोड करते हैं कि जो डेटा ट्रांसमिट करना है कि वो मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स में रिप्रेजेंट होगा, सो दिस इज कॉल्ड सोर्स कोडिंग, ओके। फिर सोर्स कोडिंग के बाद आता है चैनल कोडिंग, चैनल कोडिंग क्या होता है, चैनल कोडिंग मीन्स अब चैनल किस टाइप का है, चैनल में इंफॉर्मेशन जाएगी तो वो एरर फ्री होनी चाहिए, वो एरर लेस होनी चाहिए, अगर इस टाइप का हमें कुछ करना है तो उसमें हम क्या करते हैं, रिडंडेंट बिट्स ऐड करते हैं, मतलब चैनल को में एरर अगर हो भी जाए तो उसे डिटेक्ट कर पाए और फिर करेक्ट कर पाए रिसीवर एंड पर, इसके लिए हम रिडंडेंट बिट्स ऐड करते हैं, तो दिस विल रिजल्ट चैनल इनकोडिंग, ओके। सो this is how source encoding will, what the source encoding will do, source encoding will try that whatever data we want to transmit that can be represented into minimum number of bits, and what the channel encoding will ensure, channel encoding will ensure that due to transmission over channel, over noisy channel, actually due to transmission over noisy channel, information may get changed, means whatever we have transmitted they can't be exactly transmitted to the another end, so our by the coding technique we have this ability that we can detect it, that where the change has happened, and then after we can correct it, okay. So definitely on the other end we will have channel decoding and source decoding, then after followed by it, and then after we will, it will be received at user, okay. Hope till now whatever I have discussed is clear to you all. So now I am proceeding further. So ab कोई भी हमने इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की तो हाउ इट विल बी रिप्रेजेंटेड, मींस इन हाउ नंबर ऑफ बिट्स इट विल बी रिप्रेजेंटेड, ओके। सो फॉर इट व्हाट वी हैव टू डू, सपोज वी आर टॉसिंग अ क्वाइन, ठीक, आप क्वाइन टॉस की, आप
क्वाइन को टॉस करिए तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ठीक, तो हेड आएगा या टेल, ये कैसे डिफाइन होगा? अगर हम एक अनबायस्ड क्वाइन यूज कर रहे हैं, अनबायस्ड क्वाइन मींस इट इज नॉट बायस्ड एट एनी साइड, ठीक, उसका वेट दोनों साइड लगभग लगभग इक्वल है और इस तरीके का है, किसी एक पर्टिकुलर साइड वो बायस्ड नहीं है। ठीक, तो अनबायस्ड क्वाइन अगर हम यूज कर रहे हैं तो कैसे प्रोबेबिलिटी 0.5 डिसाइड हो जाती है? क्योंकि सर अगर मैं मान लीजिए चार बार अगर मैं क्वाइन को टॉस करूंगा तो हो सकता है सर तीन बार हेड आए और एक बार ही टेल आए, तो आप कैसे 0.5 प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर दे रहे हैं? सो प्रोबेबिलिटी डिफाइन करने की थ्योरी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी डिफाइन करने की थ्योरी ये होती है कि कोई भी इवेंट हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते हैं। मींस मैंने कहा ठीक है आप चार बार मत कीजिए उसे, आप नाउ यू रिपीट दिस टॉसिंग ऑफ क्वाइन प्रोसेस 100 टाइम्स, सो नाउ यू विल सी ओके सर नाउ आई गॉट 60 टाइम्स हेड एंड 40 टाइम्स टेल, और यू मे गेट 55 टाइम्स हेड एंड 45 टाइम्स टेल। ओके, नाउ इफ यू विल रिपीट इट approximately 1000 times, then you will get 505 times head and 495 times tail if the coin is fair enough. If coin is not fair, then you can get if it is biased on head side, then you will get 600 times heads or 700 times head. Okay, and you are not also biased. Okay, if no biasing is there, then things are being done naturally. Okay, and means if you will repeat it 1 lakh times, then definitely it will be approximately half. Means occurrence of head and occurrence of tail will be approximately half. That's how we have defined the probability to be 0.5 in case of tossing of coin. Okay, similarly for tossing of dice and playing of cards, that which card will come. So how these things are defined? These are defined in terms of probability theory. So information, पहली चीज तो क्या होती है? Information होती क्या है? If you want to transmit the information that yes, sun will rise from his east. So definitely, it is definite thing. You are not passing any information to anyone. Okay? Means it is having no information content in itself. Although it is an information. You have, if you get, we will get this message, then you have to encode it and decode it. But that is another thing, that you have to encode it and decode it. But how many information content it is having? It is having no information content. Okay. Means हम ये समझते हैं कि information कहाँ ज़्यादा होती है? जब probability less होती है, जब कोई भी event बहुत less probable होता है तो वहां पर इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है। टीवी वाले ब्रेकिंग न्यूज कब चलाते हैं? जब कोई ऐसी अनअकर्ड चीज आती है, ब्रेकिंग न्यूज, मींस दे वांट टू टेल दैट यस देयर इज वेरी प्रोमिनेंट इंफॉर्मेशन इज कमिंग इन। ओके, मींस यू हैवंट एक्सपेक्टेड इट टू हैपन। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ओके, नो वन विल टेल ब्रेकिंग न्यूज टुडे सन हैज राइजन फ्रॉम ईस्ट। ओके, सो means it will depend upon probability. If probability will be less, then information content will be higher. If probability is very high, then information content will be very small. Suppose you can relate it. Suppose we are having a cricket match of India versus Bangladesh. Okay, if India wins, then definitely there will be a very less gossip about it, and they will tell that okay, he scored this much. But if somehow India loses, then what will happen? A lot of information will pour in. Okay, means there is less probability that India lose to Bangladesh. Okay, so a lot of information will come in. Means information is related to the probability. Okay, so means by using probability theory, Sanon showed that there is one way to measure the information in terms of bits. Means now we have related the information with probability theory, and
it can be calculated in terms of bits. So what is self-information? So what Shannon did, let's take a look. मान लीजिए किसी भी इवेंट को हमने अल्फाबेट या किसी भी मेमोरीलेस सोर्स को या कोई भी ऐसा है उसे हमने डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स को असाइन कर दिया A1, A2, A3, AN और उस इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है P1, P2, P3, PN. ओके, सो हाउ मच इंफॉर्मेशन वी विल गेट. तो सेल्फ इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? सेल्फ इंफॉर्मेशन निकालेंगे लॉगरिथमिक बेस टू 1 अपॉन PI. PI विल बी, अगर हमें AI इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी में कितनी इंफॉर्मेशन होगी, कितने बिट्स में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा, 1 अपॉन PI करना होगा, लॉग ऑफ 1 अपॉन PI. PI विल रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट. अब आप ये कहोगे कि सर इसका लॉग क्यों लिया, ठीक, और 1 अपॉन क्यों किया? तो ठीक है, इसका रिप्लाई हम नेक्स्ट स्लाइड में कर रहे हैं. Suppose we are having two independent events, एक है A और एक है B, ठीक. So अगर both events happen, तो information content आप कैसे transmit करोगे? आप multiply करके नहीं transmit करोगे. आप कैसे transmit करोगे? आप अलग अलग बताओगे कि सर ये information भी है और ये information भी है, ठीक. So definitely, although probability will get multiplied, but the information will be different. Means how we can achieve this mathematically, we can achieve this mathematically by using log. Okay, by using log of probability we can achieve this. But log of probability करने पे भी ये समस्या है कि sir probability जितनी कम होती है information उतनी ज्यादा होती है, और probability जितनी ज्यादा होती है information उतनी कम होती है. So we have to use here minus, negative. Okay, that's why I have to, that's why we have, for information content of particular event, for information content of particular event, although we can, either we can use log of 1 upon PA or log of PA. Okay. So suppose if occurrence of a probability of any event is 1, means that definitely that event will definitely occur. Okay, means information will be I of 1. What will be log of 1 by 1 and what will be value of log of 1? That will be 0. So jaisa ki aapko pehle bataya tha ki if any event is definite and sure, then we need not to transmit it in terms of information or in terms of bit. Okay, but suppose if information probability of occurrence of any event is 0.5, then it, in that case log base 2 will be 1 upon 0.5. So this will be in terms of bit. Okay, now which logarithmic you have to use? That is very important thing. Okay, so particularly we deals in bits, means we will deal in 0, 1, means we are going to transmit the information digitally from one place to another place, means either at particular point we will detect 0 or 1. That's why we will do, we will usably take log base 2 and we will represent whatever information we give, we will get in terms of bits. But if we are, will be using log base 10, then we have to use the unit as Hartley's. And if we are using natural log, okay, then unit will be nets. Okay, there are three units of information. One is bits, another one is Hartley, another one is nets, depending upon which logarithmic base we are going to use, as we have used here base 2. Okay, so you may be wondering that in this case, sir, if you have used here 1, then why don't you have used here 0? अगर आप सर यहाँ पर 1 से ट्रांसमिट किए और अगर आप यहाँ पर 0 से ट्रांसमिट कर दीजिए, तो आप इंफॉर्मेशन को और ज्यादा कट शॉर्ट कर सकते हैं. ओके, देयर आर कोडिंग टेक्निक्स, बट क्यों मैं 2 ही बिट में इसे रिप्रेजेंट किया, क्यों मैं 3 ही बिट में रिप्रेजेंट किया? क्योंकि मैं इंडिविजुअली देखूं तो
0.5 अगर प्रोबेबिलिटी है तो हाउ मेनी नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स इट विल रिक्वायर, इट विल रिक्वायर मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स इज 1, बिकॉज 1 अपॉन सॉरी log ऑफ 1 अपॉन 0.5 विल बी log 2 बेस 2 दैट विल बी 1. वैसे ही अगर आप सॉल्व करिए तो 0.25 के लिए आएगा इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड 2 आएगा, ठीक, इसलिए 2 बिट से रिप्रेजेंट किया है. और 0.125 के लिए आएगा log ऑफ 1 अपॉन 0.125, मींस 1 अपॉन 0.125 विल बी log ऑफ log बेस 2 8 एंड log बेस 2 8 विल बी 3, मींस वी नीड 3 नंबर ऑफ बिट्स हियर. आई होप till now everything is clear to you all. If you are having any doubt, then you may ask. Okay. So next will be entropy. What is entropy? An average information overall. All the symbols are transmitted. Means it will be how many number of informations we are transmitting. Pi into I AI. AI means that is information, means log of 1 upon Pi. Okay. Log of 1 upon Pi. So this is how we can calculate the entropy. Okay. This can be generated regardless as degree of uncertainty about the following symbols. Okay, the entropy, aap calculate kijiyega entropy. These are problems. I'm sharing here 2 problems. Aap inki entropy calculate kijiye jara. Aur mujhe bataiye kitni aayegi chat box mein. There are 3 symbols are being transmitted with probability 0.5, 0.25 and 0.25. What will be value of entropy? वैसे इस केस में भी आप एंट्रोपी बता सकते हो कि व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ एंट्रोपी. तो सबसे पहले तो इसी केस में बता दीजिए जो 3. शेयर योर आंसर इन चैट बॉक्स. नेक्स्ट टाइम से मैं किसी का भी ऑडियो ऑन करूंगा और उससे पूछूंगा कि आप सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. ऐसे मैं किसी का भी अब रैंडमली वीडियो ऑन करूंगा और फिर पूछूंगा कि आप क्लास अटेंड भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. So anyone is telling answer? Dheeraj Shukla, hai aap? Dheeraj Shukla, are you present? Okay. So now you will mark the absent. Rajat Singh, present hai? Shivam Singh, yes sir, क्या आंसर आ रहा है? सर सॉल्व कर रहा हूँ. कितना आ रहा है? सर सॉल्व कर रहा हूँ. सॉल्व भी कर रहे हो? हाँ सर, फॉर्मूला है तो कुछ कर रहा हूँ. अच्छा. सूरज बान सिंह प्रेजेंट है?
ये सब जो है ऑन करके भाग जाते हैं। ओके तो आंसर आया किसी का? कोई सॉल्व भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? श्रीदयाल यस सर। क्या आंसर आएगा? सर मैंने एंट्रोपी के पहले वाला वो सॉल्व कर रहा था, इसलिए मैंने एंट्रोपी वाला सुना नहीं है। उसके पहले तक मैंने सॉल्व कर लिया है। तो बताओ भाई, नहीं सुना है?